हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे सूजी के सॉफ्ट गुलाब जामुन। इससे पहले मैंने आपको ब्रेड के गुलाब जामुन और हमारे जो गुलाब जामुन मिक्स पाउडर आती है उसकी हमने गुलाब जामुन आपको बताया कैसे बनाते हैं। आज हम सूजी के सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बनाएंगे, तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं एक चम्मच देसी घी डाल दूंगी और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। तो एक चम्मच लिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें मैं बारीक सूजी लूंगी, तो देखिए एक कप से थोड़ा सा भी कम है, तो मैंने यहाँ छोटा वाला कप लिया है और इसमें डालूंगी। अगर आप शुरुआत में अगर पहली बार बना रहे तो इसे थोड़ा ही बनाए, तो थोड़ा सा हम इसका कच्चापन निकालने के लिए थोड़ा सा हल्का भून लेंगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो एक मिनट के लिए हमें थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। तो एक मिनट हो चुका है और इसमें हम, तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और जो बचा हुआ दूध है वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसका हमें अच्छे से सॉफ्ट डो बनाना है, तो स्मूथ इसका बैटर बनाना है हमें। तो इसमें ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसमें हम थोड़ा सा 1 पिंच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कुछ भी लम्स ना रहे इसमें, अगर लम्स रहेंगे तो हमारे गुलाब जामुन अच्छे से नहीं बनेंगे और वो फूलेंगे भी नहीं अच्छे से। इसे हम लगातार चलाना है। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसका हमें इस तरह से डो बनाना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है ये। देखिए इसका स्मूथ सा डो अच्छा बन गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गुनगुनाए रखना है, तभी हम इसके बॉल्स बना पाएंगे। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 कप चीनी लूँगी और 1 कप पानी। जितने हम चीनी लेंगे उतना ही हम पानी लेंगे, हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बल्कि उसकी चिपचिपी होनी चाहिए। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे।
इसकी अच्छे से चाशनी बना लेंगे, तो जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। तो देखिए हमारी चाशनी अच्छे से उबल चुकी है। मैं इसमें एक पिंच इलायची पाउडर डालूंगी जिससे कि बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें, और दो चार केसर के धागे डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे इसकी जगह थोड़ा फूड कलर भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा हम एक मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए चाशनी अच्छे से बन चुकी है, चिपचिपी चाहिए हमें, तो एक तार की नहीं बनानी हमें, सिर्फ जैसे हमारा हनी लगता है चिपचिपा वैसे ही हमें इसे बनाना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये डो अच्छे से थोड़ा सा गुनगुनाए, इसमें हम थोड़ा एक दो चम्मच घी डालेंगे ताकि हाथ पर ना चिपके, और इसे अच्छे से मसल लेंगे हम। तो इसका एक चिकना डो बना लेंगे हम। दो से चार मिनट के लिए हम अच्छे से इसका अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये फटे ना, और इसका स्मूथ डो बना लेंगे हम। अभी भी थोड़ा गर्म है। तो इस तरह से हमें ये कर लेना है इसका डो एकदम स्मूथ। देखिए बहुत ही बढ़िया बन गए। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, तो जितना आपको छोटा बड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके बॉल बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, तो सभी को हम बना लेंगे इस तरह से बॉल। तो देखिए इस तरह से हमने सारे बॉल्स बना लिए। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे, तो थोड़ा सा चेक करके देखेंगे हमारा ऑयल कितना गर्म हो गया। तो देखिए अच्छे से गर्म हो गए, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम पहले ऑयल किस तरह से हिला देंगे और एक एक करके इसमें डालेंगे। तो सावधानी पूरा डालेंगे हम इसे, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो इसे हम चम्मच नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर आने लगे तब हम इसे हिलाएंगे। अगर आपको लगा नीचे चिपक गया तो आप इस तरह से इसे हिला सकते हैं। तो देखिए ये चिपके नहीं है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और देखिए इस तरह का हम चम्मच लेंगे, हल्के हाथों से इसे पलटी करेंगे। देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इन्हें हम चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम चाशनी को एक मिनट तक उबाल लेंगे। अब इसे हम बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो इस तरह से हम उबलती हुई चाशनी में इस गुलाब जामुन को डाल के उबाल लेंगे और बंद कर देंगे गैस को,
और आधे घंटे के बाद इसे हम चेक करेंगे। तब तक बाकी के हम गुलाब जामुन फ्राई करके इसमें डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार है। सूजी के गुलाब जामुन ये बहुत ही सॉफ्ट बन चुके हैं, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे सूजी के गुलाब जामुन बनके तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट बन चुके हैं और रसीले भी बन चुके हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए ये देखिए एकदम स्पंजी बन गए, सॉफ्ट बन गए और देखिए जूसी है। देखिए अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।